नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। ताइवान का नाम लेते ही चीन इतना चिढ़ क्यों जाता है? एक छोटा सा देश ताइवान अपने आप को असली चीन बताता है और वहीं पर चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। साहब, ये लड़ाई बहुत दिन से चली आ रही, लेकिन चीन जहाँ के जिनपिंग राष्ट्रपति हैं वो अभी भी ताइवान से डरते हैं। अभी एक एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके दिखाऊंगा कि किस तरह से ताइवान, जो कि एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी चीन की फटती कितनी है। पूरी खबर तरफ बढ़ते हैं, बस आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात है भारत की। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ संज्ञान लिया है। जिस तरह से मेड इन चाइना का बहिष्कार और चीज दिवाली चीन का दिवाला जैसे कैंपेन चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं चीन को जो आहत पहुंचेगी, चीन का जो नुकसान होगा, शायद जिनपिंग उसको बर्दाश्त भी ना कर पाए। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ताइवान के नाम से इतना क्यों चिढ़ता है चीन, क्योंकि कभी उसी में सम्मिलित था, लेकिन फिर भी अपना एक देश बनाकर ताइवान ने बहुत बड़ी समृद्धि हासिल कर ली है। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान का नाम सुनकर आखिरकार इतना चिढ़ क्यों जाता है चीन। ताइवान भारत से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पर पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जिससे चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। ताइवान के लोग मानते ही नहीं हैं कि वो चीन में रहते हैं वहीं पर, बल्कि ताइवान की सरकार का तो मानना है कि ताइवान जो है वही असली चीन है जिसका असली नाम चीन है। वहीं पर रिपब्लिक ऑफ चीप के उन्होंने बताया कि जिस चीन को पूरी दुनिया में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के नाम से जाना जाता है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वो एक नकली देश है। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन में बनने वाले नकली सामान की तरह चीन का भी अस्तित्व पूरी तरह से नकली है। इस महीने की 21 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू को एक इंटरव्यू किया था, जिसमें ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन के अत्याचारों और उसके खतरनाक इरादों को लेकर खुलकर बात की थी। जिसमें ताइवान के विदेश मंत्री चीन के अत्याचारों के खतरनाक इरादों की बात की, लेकिन चीन को ये इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया और चीन इस बात से चिढ़ गया कि वी ऑन ने ताइवान के विदेश मंत्री को मंच क्यों दिया और उन्होंने ताइवान के विदेश मंत्री कहकर क्यों बुलाया। यही नहीं, बल्कि क्योंकि चीन मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान कोई अलग देश नहीं है और एक ना एक दिन ताइवान को चीन में मिला लिया जाएगा। लेकिन चीन को वियान पर ताइवान के विदेश मंत्री का ये इंटरव्यू इतना नागवार गुजरा कि भारत में चीन के दूतावास को चिट्ठी लिखकर हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल का विरोध करना पड़ा। चीन का कहना है कि 21 तारीख को वियान ने ताइवान के फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट के हेड जोसेफ वू को इंटरव्यू किया था। वो वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन वियान द्वारा ताइवान की अलगावादी गतिविधियों को मंच देने का सख्त विरोध करता है। आप गौर कीजिएगा कि चीन ताइवान के विदेश मंत्री को अलगावादी कह रहा है, जबकि ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ अपने नेताओं को और प्रतिनिधियों का चुनाव वहाँ की जनता करती है, जबकि चीन के लोगों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, चीन के लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो बात सोचने और समझने वाली है कि जिस ताइवान को चीन कह सकते हैं विलय करना चाहता है और अपने विस्तार में जोड़ने की बात करता है, लेकिन यही चीन की भूल है, यही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भूल है और वहीं पर ताइवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो चीन के साथ जुड़े और ताइवान युद्ध कर लेगा, ताइवान चीन को मिटाने की कसम भी खा लेगा, लेकिन कभी एक नहीं होगा।
क्योंकि चीन के हालात क्या है, चीन की मानसिकता क्या है, चीन क्या कर सकता है, वो विश्व के सारे देश जान चुके हैं। अब ताइवान कभी भी चीन का नहीं हो सकता, क्योंकि बता दें आपको, ताइवान और भारत की भी मित्रता है, ताइवान और भारत की भी मित्रता से चीन चिढ़ा हुआ बैठा है। आखिरकार क्यों? ताइवान भी हमें वो अस्त्र और शस्त्र देने की बात करता है, ताइवान हमें भी वो अस्त्र और शस्त्र देने की बात करता है जिसको लेकर चीन डरा हुआ है। चीन नहीं चाहता है कि ताइवान का साथ भारत दे या भारत का साथ ताइवान दे, क्योंकि इन दोनों देशों की शक्तियां अगर एक होती हैं तो कहीं ना कहीं चीन को सदमा सा लगेगा, कहीं ना कहीं चीन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए चीन चाहता है कि ताइवान भारत में आ जाए, माफ़ी चाहूँगा कि ताइवान चीन में आ जाए, ताकि भारत भी कुछ हमारा ना बिगाड़ पाए। लेकिन साहब, ये भारत की सोच है जिसको चीनी नहीं समझ सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये एक बड़ी बात है और इसको समझने के लिए एक हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है। चीन की जनता ये बात नहीं समझ सकती है, चीन के राष्ट्रपति ये बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भारत की जनता उन्हें समझाने का काम कर रही। जिस तरह से ताइवान और भारत के रिश्ते अच्छे माने जाने लगे, कभी मित्र देश हुआ करता था ताइवान चीन का, लेकिन आज वही ताइवान शत्रु देश है चीन का, और चीन चाहता है कि हम जल्द से जल्द ताइवान को अपने कब्जे में कर लें। लेकिन वहीं पर ताइवान की जनता और ताइवान के वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका यही कहना है कि हम कभी भी चीन के साथ हाथ मिलाना नहीं पसंद करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और वहीं पर जब ताइवान और भारत का मिलन होता है तो चीन को मिर्ची लगती है। आज जिस तरह से पाकिस्तान भी कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहा, पाकिस्तान भी डरा दुबका हुआ बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसके डर में हमारी जीत है। पाकिस्तान और चीन के डर में भारत की जीत है, और यही अब तक होता चला आया है। जितना ये लोग डरेंगे उतनी हमारी जीत होगी, क्योंकि अभी खबर हमने बताया था आपको, थोड़ी देर पहले खबर की, उसमें बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी उनके सर पे बंदूक रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उससे वो डर रहे हैं, और ना ही नरेंद्र मोदी उनको डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान डरे हुए हैं, उनको डर इस बात का है कहीं उसकी कुर्सी ना चली जाए, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में ना चला जाए, पूरा का पूरा पीओके कहीं भारत ना कब्जा कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत तरीके से पीओके पर कब्जा किया है, ये बात देश की जनता जानती है। चलिए, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।